गाइस, ऐसी फोटो बनाने के लिए मैंने इस तरह से अपनी फोटो को क्लिक किया था। एक्चुअली मेरे पापा ने किया था क्लिक। तो हम सारी की सारी एडिटिंग पिक्सआर्ट के अंदर करेंगे, सिर्फ एक स्टेप को छोड़कर, यानी कि सारे स्टेप्स पिक्सआर्ट के अंदर, सिर्फ लास्ट वाला स्टेप वो मैं आपको बताऊंगा किसमें करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपनी फाइल को, अपनी बैकग्राउंड को हम पिक्सआर्ट के अंदर ओपन कर लेंगे। यहाँ पर एड फोटो पे क्लिक करके एक सोफे की इमेज को, सोफे की पीएनजी को यहाँ पर लेकर आएंगे। अब इस सोफे के ऊपर हम थोड़ी सी शाइन ऐड करेंगे, थोड़ी सी चमक ऐड करेंगे ये सोफे के किनारों के ऊपर। तो इसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर एंड यहां से ब्राइटनेस का यूज करेंगे इस तरह से। तो ब्राइटनेस का यूज करते हुए शाइन बहुत ही बढ़िया ऐड हो चुकी है। अब हम यहां से कर देंगे डन। अपने पिक को यहां पर लेकर आएंगे एंड इसकी बैकग्राउंड को डिलीट करेंगे हम फ्री क्रॉप से। मैं जानता हूं फ्री क्रॉप का यूज करते वक्त जो एजेस होती हैं वो कई बार आप लोगों की मुझे मैसेजेस आते हैं कि खराब हो जाती है एजेस, तो वो भी हम आज देखेंगे कि वो एजेस को कैसे हम सही करना। तो यहां से अब कर देंगे हम सेव। तो अपनी फोटो की भी हम स्केल एंड पोजीशन को एडजस्ट कर देंगे ताकि लगे कि सोफे के ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो फोटो में जैसे आप देख सकते हैं मेरी फोटो में ब्राइटनेस काफी ज्यादा है, हाइलाइट्स भी इसके ज्यादा हैं। तो इसके लिए हम थोड़े से एडजस्टमेंट करेंगे कलर्स की। तो उसके लिए हम जाएंगे एडजस्ट एंड यहां से कुछ एडजस्टमेंट करेंगे हम ताकि थोड़ी सी डार्क टोन में आ जाए। बहुत ही बढ़िया। अब हम इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे एंड जैसे हमने सोफे के ऊपर शाइन ऐड की है उसी तरह से हम अपनी फोटो के ऊपर भी हाइलाइट्स ऐड करेंगे एंड शेडोज भी ऐड करेंगे। अब हम एडजस्ट में जाएंगे एंड कुछ कलर इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो बारी आती है एजेस को रिफाइन करने की। तो इसके लिए हम इरेजर पे क्लिक करेंगे एंड यहां से हम
इन एजेस को हम रिमूव करते जाएंगे, ये जो खराब एजेस आ गई हैं। हार्डनेस को फुल करके, साइज को छोटा करके, इन एजेस को हम रिमूव करते जाएंगे, ये जो खराब एजेस आ गई हैं। बहुत ही बढ़िया। अब हम ऐड फोटो पर क्लिक करके एक टेबल की पीएनजी को लेकर आएंगे। इफेक्ट्स में जाकर इसके ऊपर भी हम शाइन ऐड करेंगे। एडजस्टमेंट में जाकर थोड़ी सी कलर टोन की एडजस्टमेंट करेंगे। बहुत ही बढ़िया। अब हम ऐड फोटो पे क्लिक करके लाइट पीएनजी को यहाँ पर लेकर आएंगे। इसकी पोजीशन को एंड स्केल को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे एंड इसकी जो ओपेसिटी है गाइस वो बहुत ही कम रखेंगे हम, ताकि लगे कि खिड़की में से रियल लाइट आ रही है। बहुत ही बढ़िया लुक आएगी इससे। अब हम इफेक्ट्स में जाकर यहाँ से HDR इफेक्ट का यूज़ करेंगे। ऊपर से इरेज पे क्लिक करके सिर्फ कुछ ही पार्ट्स पर हम इस तरह से इसको यूज करेंगे, सारी फोटो में HDR नहीं यूज करेंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे विंटेज इफेक्ट, इसके अंदर मोड 2 पे क्लिक कर देंगे एंड जो फेड है उसको 86 एंड जो अमाउंट है उसको भी कम रखेंगे, करीबन 37 के करीब। अब हम ट्वाइलाइट इफेक्ट का यूज करेंगे, फेड को बढ़ा देंगे एंड वेनिएट को कम कर देंगे। यहाँ से कर देंगे डन। अब हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे हम सिंप्लिसिटी। इसके ब्लेंड को कर देंगे हम ओवरले एंड जो फॉन्ट हम चूज करेंगे वो थर्ड लास्ट नंबर पे ये फॉन्ट है, बहुत ही बढ़िया फॉन्ट है। तो हम फिर से कुछ कलर एडजस्टमेंट करेंगे एडजस्टमेंट जाकर। बहुत ही बढ़िया। अब हम जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर एंड इस पर हम चूज करेंगे वेनिएट इफेक्ट, ताकि साइड्स जो फोटो की हमारी साइड्स हैं वो थोड़ी सी डार्क टोन में आ जाए। बहुत ही बढ़िया। अब हम जाएंगे आर्टिस्टिक के अंदर एंड यहां से हम यूज करेंगे एम्बॉस, इसके ब्लेंड को कर देंगे हम ओवरले। अब हम यूज करेंगे ऑयल पेंट इफेक्ट, ये भी हम फेस से थोड़ा सा रिमूव करेंगे। यहां से कर देंगे डन। अब हम फिर से कलर एडजस्टमेंट करेंगे। तो कलर एडजस्टमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डार्क टोन वाली फोटो होती है डार्क रूम के अंदर हमने बनानी होती है और फोटो हमने क्लिक की थी दिन में, तो दिन की फोटो को रात की फोटो में बनाने तो कलर एडजस्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा काम तो हमें करना पड़ेगा।
तो बहुत ही बढ़िया। अब हम फिर से एक लाइट इफेक्ट को यहाँ पर लेकर आएंगे, वही पहले वाला ही। बहुत ही बढ़िया हो गया। एंड फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे एंड इस पर ही हम बुके इफेक्ट का यूज करेंगे। इसकी सेचुरेशन को बिल्कुल कम कर देंगे एंड ब्लेंडिंग मोड को कर देंगे स्क्रीन। बहुत ही बढ़िया। एंड फेस वाले पार्ट्स इसको हम रिमूव कर देंगे। अब हम स्मोक इफेक्ट बनाएंगे एक, ये फोटो में से स्मोक इफेक्ट का हम निकालेंगे। बहुत ही बढ़िया। गाइस हम ड्रॉ के अंदर जाके इस फोटो को सेव कर देंगे। तो ऑलमोस्ट हमने सारी एडिटिंग हमने पिक्सआर्ट के अंदर की एंड जो एक स्टेप हमारा रहता है वो हम करेंगे स्नैपसीड के अंदर। तो सारी फोटो हमने पिक्सआर्ट में बना दी। अब हम शेयर पर क्लिक करके इसको स्नैपसीड में ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ फेडेड ग्लो, तो फेडेड ग्लो पर क्लिक करना, इससे जो कलर टोन है बहुत ही बढ़िया हमारी आ जाती है। एंड ऊपर से कर देंगे डन। तो अब देखिए हमारी फोटो बहुत ही बढ़िया तैयार हो चुकी है। मतलब हम कह सकते हैं कि 99% एडिटिंग की हुई है पिक्सआर्ट में एंड 1% जो फाइनल टच दिया हमने ब्लू टोन का वो दिया हमने स्नैपसीड के अंदर। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में।